हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं गोवा में बहुत बड़ा एक मेला लगा है आंगनवाड़ी का। तो अभी हम यहां पे आ गए हैं और चलते हैं, जो है आप लोग को मेले में पूरा दिखाएंगे। अभी हम जो है बहुत आगे जाएंगे तब जाके हमें मेला आएगा। अभी यहां उतरे हैं ऑटो से और चलते हैं, आपको जो है पूरा मेला टूर कराएंगे। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से जो है दुकानें वगैरह लगना स्टार्ट हो गए हैं और आगे चलते हैं, आगे का सीन आप लोग को दिखाते हैं पूरा। ये देखिए यहाँ पे जो है मंदिर, यहाँ पे इसी मंदिर पे जो है मेला लगा है, श्री देवी भराड़ी आई। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसी मंदिर पे हमें जाना है। तो अभी हम मेले में पहुँच गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेले में हम आ गए हैं और यहाँ पे जो है सारी दुकानें लगी हैं। और यहाँ पे लिखा है, उसको देख सकते हो आप, हार्दिक स्वागत है, यहाँ से वेलकम कर रहे हैं मंदिर का कंपाउंड में। और यहाँ जो है कपड़े की दुकानें हैं, बाल्टी उल्टी की सारी दुकानें मंदिर का कंपाउंड में। मोटरसाइकिल देख सकते हो आप, जो है कपड़े की सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। मोटरसाइकिल कृपया ओळख पटवून घेऊन जावी। चावीचे बालक मिळाले, चावी दाने मिळालेले आहे, आनंदाने ते दोरी चालले। इधर सबसे पहले इधर चलते हैं, इधर आप लोग देख सकते हो पार्किंग के लिए गाड़ियां जो है पार्क यहाँ कर सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर और जो है सारी गाड़ियां यहां से हम पार्क कर सकते हैं। सबसे पहले आओगे आप तो यहीं पे जो है आप अपना जो है गाड़ी वगैरह पार्क कर देना, उसके बाद जो है आप अंदर एंट्री करना। तो यहां से जो आप लोग देख सकते हो सारा जो है पार्किंग एरिया है और देख सकते हो टू व्हीलर फोर व्हीलर सारी गाड़ियां यहां आप पार्क कर सकते हो। और ये इधर अभी एंट्री हम करेंगे, तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं हम। और इधर देखिए फूल का दुकान है, काफी खूबसूरत है। और इधर से हम एंट्री करते हैं, आगे इधर से एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री है, यहाँ से कुछ ऐसा देख सकते हो सारी मिठाइयों की दुकानें यहाँ पे हैं। और इधर देख सकते हो आप, जो है सारी वो जो कढ़ाई वढ़ाई होती है वो यहाँ पे सारी चीज मिल रही है। इधर आप लोग देख सकते हो ये जो है अभी अंदर हम चल रहे हैं, अंदर चलेंगे आप लोग देख सकते हो यहाँ से रास्ते में भी हैं। और यहाँ पे माला वगैरह की सारी दुकानें यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ पे जो है सारी चीजें अवेलेबल है, मिठाइयों का जो है लड्डू वगैरह अब यहाँ से मिलता है। और इधर से आप लोग देख सकते हो ऐसा, ये है इधर, ये आप लोग देख सकते हो मटकी। और इधर का
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीजें अवेलेबल है मेले में। और फिर से हम उसी रोड पे आ गए हैं, चलते हैं फिर से आगे। और यहाँ देखिए ये जो है लकड़ी के जो है सारे यहाँ पे ओम वगैरह डिजाइन सारे बनाए गए हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो जैसा। और आगे चलते हैं हम अभी, और इधर का देख सकते हो दुकानें सारी तरफ जो है मिठाई फल फ्रूट और ये भुजे का जो लड्डू होता है उसकी जो है दुकानें यहाँ पे काफी सारी लगाई गई हैं। और अभी हमें अंदर चलना है, चल रहे हैं अभी सीधा रोड से। यहाँ भी देख सकते हो एक बड़ी दुकान है, और इधर ये आप लोग देख सकते हो लाइटिंग वगैरह अच्छा किया गया है। और यहाँ पे लिखा है लस्सी का दुकान है, ये आप लोग देख सकते हो सब लोग यहाँ से लस्सी वगैरह पी रहे हैं। और आगे आगे चलते हैं, यहाँ पे भी लस्सी की दुकान ही है। और इधर यहाँ पे चाय वगैरह की दुकान है, और यहाँ पे पूरी सब्जी की जो है स्टॉल लगी है। और इधर ये फूल, इधर देख सकते हो अब जो है पौधे फल फूल यहाँ पे लगाए गए हैं। और आगे चलते हैं अभी हम, और इधर जो है जूते चप्पल की दुकान है। और इधर अभी आगे हमें जाना है काफी। और इधर जो है प्रेस वगैरह मिल रहा है, प्रेस वगैरह ले सकते हो आप, किसी को लेना होगा। और इधर भी कढ़ाई वगैरह रखी है बना के। और इधर जो है अपना साल वगैरह सर्दियों के लिए मिलता है वो यहाँ पे रखा गया है। और इधर जो है खिलौने हैं बच्चों के, जो है बैलून देख सकते हो आप लोग यहाँ से। और आगे चलते हैं अभी हम, ये देखिए यहाँ पे टॉर्च वगैरह मिल रहा है। और इधर जो है हमें लगता है इधर जो है सारे कपड़े और बैग वगैरह की दुकानें हैं। इधर झूले वगैरह कहाँ पे हैं अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, इधर तो नहीं दिख रहा है। अभी आगे चलते हैं देखते हैं झूले की जो है झूला जो है कहाँ पे है, तो अभी उसको हमें पता करना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। अभी घूम रहे हैं इधर उधर, चलिए घूमते रहते हैं, घूम लेंगे तो मिल ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद। अभी झूला वगैरह देखने को हमें, ये देखिए बिल्कुल चले आइए हमारे साईनाथ जूस सेंटर में और लीजिए मात्र 10 रुपए गिलास में। ये है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारा जो है चारों तरफ से यहाँ पे अभी जो है पब्लिक, अभी सुबह का टाइम है थोड़ा कम भीड़ है, और थोड़ा जैसे और ज्यादा टाइम होगा तो भीड़ वगैरह होगा। और इधर हमारे पुलिस लोग जो है सब यहाँ पे तैनात हैं। और आगे चलते ही हम जाएंगे, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो ऐसा। और अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे जो है खिलौने वगैरह की यहाँ पे भी दुकानें हैं। और ऊपर देख लीजिए एक बार,
कुछ ऐसा है, ये लैंग्वेज हमें पर समझ में नहीं आ रहा, हिंदी वगैरह या फिर इंग्लिश होता तो समझ में आता। अभी इधर कौन सी भाषा में लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हो, जिसको जिसको समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। चलते हैं और आगे आगे का जो आप लोग को दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक मिठाई की बड़ी दुकान है, और ये रहे मिठाई की बड़ी दुकान है यहाँ से, और आगे चलते हैं। और इधर पे जो है कलर यहाँ पे रखा गया होता है, और इधर देखा तो आप बांसुरी और आगे चलेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये बैनर आप लोग पढ़ सकते हो। हेलो, भारत तालुका पंचायत समिति के सदस्य संतोष भल्लव इधर भी चलते हैं एक बार, इधर भी चलते हैं एक बार, देख सकते हो आप ऐसा यहाँ पे सब सुनाया गया। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और ये मंदिर तो मंदिर है, बढ़िया मंदिर है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। काफी जो है यहाँ पे भीड़ है आप लोग यहाँ से, और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। बहुत ज्यादा भीड़ है, दूर दूर से यहाँ पे दिखाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे और आगे चलते हैं दूसरी तरफ। इधर देखिए एक चश्मे की दुकान है, यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे चश्मे मिल रहे हैं। और आगे जो है यहाँ पे माला वगैरह की दुकान है, इधर जो है जूते चप्पल की दुकान है, और इधर जो है टोपी वगैरह आप लोग यहाँ से ले सकते हो, हैट। और यहाँ पे जो है सारी दुकानें अवेलेबल हैं, इधर भी आप लोग देख सकते हो माले की दुकानें। और इधर देखिए ये गेट, गेट पे जो लगाया जाता है, और इधर जो है खिलौना की दुकान है, होलसेल में मिल रहा है 120 क्या दिख रहा है देखते हैं, 120 120 रुपए में सारा सेल यहाँ पे लगा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ऐसा। और इधर भी और यहाँ पे मिल रहा है नारियल जो है, देखिए आप लोग तो सारा टूर करा रहे हैं, आप लोग वीडियो पे बने रहिए, घर बैठे ही आप जो है मेले का आनंद ले सकते हो। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नियंत्रण कक्षा मध्ये मिले हम लोग को काम करने के लिए, के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पे सारी दुकानें अवेलेबल हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये लड्डू और ये सारी दुकानें बहुत ज्यादा इस मेले में देखने को मिल रहा है हमें।
श्रीमती किशोरीबाई पेडणेकर मातेच्या दर्शनासाठी आग्र्यावरील देखिए यहाँ पे भी माला वगैरह की दुकान लगी है। और ये देखिए यहाँ पे फूल वगैरह की सारी दुकानें हैं अवेलेबल। और इधर ये सेल लगा 120 का सारा, यानी सेल यहाँ पे लगा के रखे हैं। और इधर भी देखिए काफी दूर तक हम दौड़ चुके हैं, बट अभी जो है मुंबई के महापौर हमें जो है झूला वगैरह देखने को नहीं मिला है, उसको लगता है भराड़ी मातेच्या दर्शनासाठी आंगणेवाडी मध्ये आलेले आहे। यहाँ पे झूला आगमन झालेलं आहे, ट्राई करते हैं अपने कुटुंबियांतर्फे उसको ढूंढने में मिल जाता है तो आप लोग को दिखाते हैं। धन्यवाद। देखिए आप लोग जो है घर से ही मेले को एंजॉय कर सकते हैं। सौ सारिका मंगेश पवार और हम जो है इधर आ गए दूसरे साइड में, यहाँ पे सेल लगाया गया है। ये जो सेल है 100 रुपए का जो है सेल है, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इधर देख सकते हो आप लोग फोटो वगैरह की दुकानें लगाए हैं। और यहाँ पे कैप वगैरह की दुकान है। और ये देखिए जो है श्री देवी भराड़ी माता जी का मंदिर है, इसी मंदिर पे जो है मेला लगा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये जो है मेला 2 से 3 दिन चलेगा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा जो है मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप सब जो है फोटो निकाल रहे हैं, ऐसे इधर जो है प्रोग्राम चल रहे हैं। हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी जो है यहाँ पे भीड़ वगैरह काफी सारी है, यहाँ पे प्रशासन भी लगा है। ये मंदिर देखिए और यहाँ पे देखिए कितने श्रद्धालु जो है यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए अभी जो है ये देखिए वहाँ से लेके इधर जो है यहाँ पे श्रद्धालु जो है माता जी के दर्शन करने के लिए वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो और ये मंदिर है माता जी का, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ऐसा। देख सकते हो हम जो है इधर का अभी आप लोग को सारा दिखा दिए हैं। इधर जो है रोड गया है, इधर का आप लोग को सारा दिखाएं। अभी इधर जो आ रहा है इस पे चलते हैं और आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को सारा दिखाते हैं। और इधर हम चल रहे हैं, इधर का आप लोग को पूरा वीडियो हमने दिखाया है। और इधर देख सकते हो आप लोग, इधर अभी हम चल रहे हैं। और ये देख सकते हो आप भाई एक निकाल रहा है बैलून द्वारा जो होता है। और आगे चलते हैं, हमें लग रहा है यहाँ पे बड़ा झूला नहीं आया है क्योंकि हमने कई लोगों से पूछा और काफी ढूंढा भी उसको, बट कोई झूला वगैरह दिख ही नहीं रहा है। काफी लोग से हमने पूछा कि झूला बड़ा वाला कहाँ है, तो
बता रहे हैं कि हमें नहीं पता है, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कहीं हमें देखने को मिल जाता है तो आप लोग को दिखाते हैं। और चलते हैं इस रोड पे, वो उधर का हमने आप लोग को दिखाया सारा। और हमें लगता है इस मेले में बड़ा वाला झूला नहीं है, फिर भी थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग को और थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इधर देख सकते हो आप सब, जो है कपड़े की दुकानें लगी हैं, और इधर इधर जो है बाल्टी वगैरह की दुकान है, और इधर मिल रहा है जो चटाई, चटाई भी यहाँ से आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे सारी दुकानें जो है कपड़ा की हैं, कपड़े की यहाँ पे सारा जो है देखने को मिल रहा है हमें, सारी दुकानें जो है कपड़े की। और एक जो है ये भाई लोग लेके आ रहे हैं बैलून, अभी ऊपर चल रहे हैं हम, देखते हैं भाई झूला ढूंढते हैं उसको, काफी ढूंढ रहे हैं लेकिन देखते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर होगा ही नहीं, तो आप लोग को दिखाएंगे कैसे। अभी ऊपर हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से फ्रूट एंड जूस का जो है ये स्टॉल लगा है, और इधर देख सकते हो आप लोग जो है कपड़ा, लेडीज कपड़ा, जेंट्स कपड़ा, सारा जो है यहाँ पे सारा सभी प्रकार का जो है कपड़ा यहाँ पे अवेलेबल है। इधर जो है ये भेल पूरी का जो है यहाँ पे लगा है एक स्टॉल, और इधर कॉफी का, झूला हमें लग रहा है नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारा ढूंढे फिर भी यहाँ पे जो है झूला में देखने को नहीं मिल रहा है। सारी इधर जो है सारी दुकानें कपड़े की हैं, और हम लोग फाइनली ऊपर आ गए हैं इधर, फिर भी लगता है झूला नहीं है। और इधर आ गए हम, देखते हैं झूला हो सकता है, चांस है। और यहाँ जो है हमने एक भाई से पूछा, उसने बताया इधर भी झूला नहीं है, और एक इधर उधर बताया है, चलते हैं उधर देखते हैं, अगर झूला मिल जाता है देखने को तो आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी नहीं है झूला, और काफ़ी ऊपर हम लोग आ गए थे फिर भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, और इधर बर्तन वगैरह मिल रहा है, और इधर हम लोग जो है पाइनएप्पल अभी जूस है इसका पीते हैं, ये जो है 10-20 का दोनों का ग्लास है, आपको जो भी पीना होगा यहाँ से पी सकते हो। ये हम लोग अभी ले रहे हैं, ये राम भाई भी आ गए हैं अभी, और ये जूस आ गया, अभी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप लोग पूरा ये मेले का एंजॉय करो, वीडियो देखो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग चल रहे हैं झूले की तरफ, देखते हैं वहाँ पे भी एक भाई ने बताया उधर झूला है, उधर हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं अगर मिलता है तो ठीक है। हम लोग घूम रहे हैं वहाँ का, आप लोग को वीडियो दिखा रहे हैं, और इंजॉय करिए आप लोग। और सारे जगह जो है ये पता नहीं, ये आप लोग देख सकते हो, ये इस टाइप का दुकान यहाँ पे बहुत सारा इस मेले में है, बहुत सारी जो है दुकानें इसी टाइप के हैं। यात्रा झाली नहीं, या वर्षी येण्याचा योग आला, आणि बरीच मोठी मंडळी इकडे येते, या ठिकाणी भाविकांना भेटून येते। तो फाइनली जो है हम लोगों ने बहुत झूले को बहुत ढूंढा, और कई लोगों से हमने पूछने की कोशिश किया, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे झूला नहीं है, तो आप लोग को नहीं दिखा सकते। और अभी सारा मेला हम लोग ने घूम लिया, अभी चलते हैं अपने घर पे। और अभी हरदराम भाई जो है गाड़ी उन्होंने पार्क किया था,
और ये पैशन प्रो है जिसे हम लोग अभी चलते हैं। तो चलिए इस मेले को बताए बोलते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इस मेले से अपने घर, और इधर से हम लोग जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, और ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो रास्ते में ये जड़ी बूटी की भी दुकानें हैं। और ये रोड है जो है, इधर एक मालोन जाता है और इधर एक ओरस की साइड चला जाता है, और ये बीच से जो है रोड इधर आया है आंगनेवाड़ी। मंदिर बहुत बड़ा है, उसी मंदिर पे जो है अभी 2-3 दिन चलेगा। हमने पूछा था 2-3 दिन जो है ये मेला चलेगा, आप लोग यहाँ से आके एंजॉय वगैरह कर सकते हो। और ये रोड जो है सीधा चला जाएगा मालवन, और इधर जो है हम लोग को अभी ओरस के साइड जाना है, और ये जो है आंगनेवाड़ी जो है चला जाएगा। तो यहाँ से आप विजिट एक बार विजिट करके देख सकते हो मेला वगैरह को। चलिए इस ब्लॉग को एंड कर सब्सक्राइब भी करें। चलिए फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।